यूपी और अगर मैं बात करूं तो 90% और 95% लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से ही होते हैं और मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी थी मिडिल क्लास और हम लोग कई बार स्विच किया करते थे लोअर क्लास टू मिडिल क्लास लेकिन रहते उसी क्लास के बीच में थे और वहां पे मेंटालिटी क्या होती है कम में गुजारा करना सीख लेना यस और नो मैंने भी सीख लिया था कि कैसे कम में गुजारा करते हैं इच्छाओं को कैसे मारते हैं और किस तरह से सिर्फ उम्मीद में पूरी जिंदगी काट दी जाती है। फ्रेंड्स स्टूडेंट अकाउंट था मिनिमम 1000 का बैलेंस बचा इसलिए था क्योंकि बैंक मैनेजर ने बोला था कि इसके नीचे गया तो अकाउंट बंद। स्कूटी एक थी और उसमें भी कभी फ्यूल डलाने का पैसा नहीं था तो वो स्कूटी हमेशा घर पे खड़ी होती थी और मैं टैक्सी ऑटो में धक्के खाया करती थी और मुझे लगता है मेरे पापा ने हम लोगों को बड़ा अच्छा एक टाइटल दिया था क्योंकि गौरव सर मेरे एल्डर ब्रदर है कि हम लोग सेकेंड हैंड चीजें खरीद लिया करते थे तो पापा कभी कभार कहते थे कि तुम लोग कबाड़ी हो। कोई भी इंसान अपनी चीजों को बेचता कम है जो वो खूब उसे इस्तेमाल कर लेता है खूब उसे एंजॉय कर लेता है और जो उसमें कुछ भी अच्छा नहीं बचता तो वो क्या करता है और कुछ अब खरीदने वाले कौन होते हैं शौक तो होते हैं लेकिन पैसा नहीं होता तो हम वही लोग थे। कारें थी आज भी 5 कारें हैं उसके पहले भी कारें थी हमारे पास और सभी कार हमारे पास सेकेंड हैंड थी जो कभी चलती नहीं थी रुकती थी डर लगता था कहीं जाने में और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक दिन वेस्टीज के एक प्रोग्राम में मुझे एक लीडर ने बताया मेरे कि मैम आपको याद है आपकी वो जो वो कार थी उसमें मैंने धक्का लगाया था। सर आप मुझे सर ने मुझे बताया कि आपके पास मारुति 800 थी और मैंने उस कार में धक्का लगाया था। मैंने कहा अच्छा सर मुझे याद नहीं है। तो फ्रेंड्स ये लाइफ थी जब वहां पे ये कहना चाहिए था ना जाने कितने धक्का लगाया खसक का सूरत थोड़ी याद रखेंगे। लोगों ने धक्का लगाया था कि मुझे याद भी नहीं किसने कब कहां धक्का लगाया होगा और जितने ने धक्का लगाया था आज वो वेस्टीज में और लाख रुपए की इनकम से ऊपर है। आप कुछ सोच रहे होंगे आप अगली बार कब धक्का लगा रहे होंगे धक्का लगवा लो। सो फ्रेंड्स ऐसी लाइफ थी। पहली बार जब एसटीएम आई थी लोकेश सर हम सभी लोग साथ में थे तो मुझे इस दुनिया इस हॉल के बाहर की दुनिया ज्यादा पसंद थी। पहली बार एक्टिविटी खाना पीना घूमना जन्नत लग रहा था। ये हॉल समझ में नहीं आ रहा था बाकी सब कुछ समझ में आ रहा था कि इतने कम पैसे में ये तो पिकनिक हो गया। तो मुझे तो ये है कि हर बार आना है। अच्छा ऐसा लगा भी क्यों क्योंकि इसके पहले मेरी लाइफ में जब हमें बताया जाता है कि आपको वेकेशंस के बारे में लिखना है मैं आपको बताऊं मैं कभी कहीं छुट्टियों पर नहीं गई मैं कभी कहीं घूमने नहीं गई तो मेरे लिए ये पता था कि यहाँ आएंगे घूमना फिरना खाना पीना सब होगा। हॉल समझ में नहीं आता था ट्रेनिंग समझ में नहीं आती थी लेकिन घूमना और ये सारी चीजें समझ में आती थी। शाम होते ही ऑर्केस्ट्रा देन डीजे नाइट्स तो वहां भी जाके क्या बताती थी लोगों को मैं कहती थी चलो ऑर्केस्ट्रा होगा डीजे नाइट होगा खाना पीना होगा घूमना फिरना होगा तो आना है। फ्रेंड्स धीरे धीरे क्योंकि आना है ये पता था बार बार आने की वजह से धीरे धीरे मुझे इस दुनिया में इस हॉल के अंदर की जो बातें थी वो समझ में आने लगी। पहली बार में बूंद भर ही समझ में आया दूसरी बार आए तो ग्लास भर समझ में आया तीसरी बार आए तो थोड़ा थोड़ा करके वो बढ़ना शुरू हुआ। अब जैसे जैसे वो बढ़ना शुरू हुआ तो वो जो चेक 30-40 हजार था आज वो 4 लाख पहुंच गया। सेकेंड हैंड चीजों के खरीदार आज हमारे घर पे 5 कार्स हैं। पहली कार मैंने टाटा बोल्ट ली दूसरी कार i20 तीसरी कार गौरव सर ने सियाज टॉप मॉडल देन उसके बाद हमने जो कार ली ऑडी A3 उसके बाद अभी फिर ली है 42 लाख की टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर जो बाहर खड़ी है और अभी 1 महीने बाद एक और आने जा रही है। जैगुआर एक्सी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि पहली बार इस
इस हॉल की बातें समझ में, तो परेशान मत होना, अगली बार फिर आके बैठ जाना, तो कुछ समझ में और आ जाएगी। बार 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 जिस दिन आपको बाहर की दुनिया से ज्यादा ये हॉल अच्छा लगने लगे, तो समझ लेना एसटीएम आपके लिए काम कर रहे थे। आज अगर मैं इनकम की बात करूं तो हमारी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए है, मैं और गौरव सर, और 8 लाख रुपए बताओ पिछले महीने का खर्च नहीं हो पाता, पिछले महीने का खर्च नहीं हो पाता, 2-3 महीने कंपनी रोक भी ले तो भी टेंशन नहीं है, और अगले महीने फिर आ जाता है। सोचो अगर ऐसी लाइफ हो जाए, पिछले महीने का खर्च ना हो और अगले महीने आता जाए तो मजा आएगा, मजा आएगा। और खाने पीने में कहीं कोई कटौती नहीं कर रहे हैं, कारोबार में भी कोई कटौती नहीं हो रही है, लाइफ को फुल फ्लेज में जिया जा रहा है। और ये हमने सीखा है एसटीएम में आके, समृद्धि किसे कहते हैं, क्योंकि समृद्धि का मतलब जो हमने यहाँ पे आके सीखा है कि बहुत सारा पैसा, खुशियां भी हो, स्वास्थ्य भी हो, संबंध भी अच्छे हो जाएं, जिंदगी में सुकून हो और लगे कि जीवन तो एक मौज है, एक उत्सव है, वो फीलिंग हमें यहाँ आने से आई है। सो मैं थैंक यू बोलूंगी हमारे मेंटर को, जिन्होंने हमें जिंदगी को खुशी की तरह एक कैसे एक खुशहाल जिंदगी जी जाए ये सिखाया था।